ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आग लगने की घटना सामने आई है। यथार्थ हॉस्पिटल के पास लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही लपटों को देखा जा सकता था। अभी तक आग लगने की वजह का साफ पता नहीं चल पाया है। बताते चले, ग्रेनो वेस्ट में स्टेलर जीवन सोसाइटी के पास शनिवार दोपहर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार दो लोगों ने किसी तरह बाहर कूद कर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि उससे पहले कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। थाना बिशरक क्षेत्र के स्टेलर जीवन सोसाइटी के पास से शनिवार दोपहर करीब 1:10 पर यह घटना हुई थी। बताते चले, नोएडा में हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं, उसमें मुख्य है नोएडा और ग्रेनो में हाल ही में 5 कारों में आग लगने के मामले सामने आए हैं। बुधवार दोपहर नोएडा सेक्टर 21 के रेड लाइट के पास जा रही होंडा MS कार में भी आग लग गई थी। वहीं मंगलवार शाम को नोएडा सेक्टर 70 के पैन OC सोसाइटी के पास जा रही टोयोटा इनोवा डीजल कार में भी आग लग गई थी।